पंचर वाले ने क्या खेल करा पता है भाई? पंचर वाले ने क्या किया? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हाँ जी, क्या हाल है भाई? देखो अभी मैं जा रहा हूँ भाई पैदल पैदल, मैं आया हुआ था जगजीत भाई के घर, और ये रहा अपना हेलमेट। और मैं इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से पैदल पैदल क्योंकि आगे मैंने की हुई है ऊबर बाइक, मतलब जगजीत भाई ने हमारे लिए ऊबर बाइक की हुई है, क्योंकि वो जा रहे हैं निंजा ZX10R पर और हमें उठानी है अपनी हायाबूसा सुजुकी से। और आप बोलोगे कि भाई निंजा ZX10R पर क्यों नहीं जा रहे हो आप बैठ के, तो अभी दिखाता हूँ कि क्यों बैठ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें सीट आती नहीं है बाई डिफ़ॉल्ट कंपनी से। अभी दिखाता हूँ, ये देखो इसमें पीछे सीट ही नहीं है, वरना इसी पे बैठ के जाते हम। और इसकी सीट खरीदने के लिए 50,000 रुपये खर्चा करना पड़ता है। तो ये भाई हमें यहाँ लेने के लिए आए हैं ऊबर पे। भाई हमें सही सलामत पहुँचा दोगे ना? चलो भाई अब एक काम करते हैं, इसको बैठते हैं और अपना हेलमेट लगाते हैं और सुजुकी चलते हैं भाई, वहाँ से अपनी बाइक उठाएंगे और फिर साथ में आज बढ़िया सी राइड करेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि भाई इसके रेस स्पीड का और अपने रेस स्पीड की आवाज़ सुनाने की, ठीक है? तो चलो अभी चलते हैं। तो भाई अपनी ब्यूटी हो गई है तैयार, देखो ये खड़ी है सामने। और भाई सर्विस हो गई एकदम चमक चमक गई और मज़ा आ गया एकदम। भाई साहब ऐसी चमक रही है ख़तरनाक वाली। अब देखते हैं भाई रोड पे क्या कमाल दिखाएगी बूसा फिर से। कहाँ है? बिस्मिल्लाह, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जगजीत भाई ने भी स्टार्ट कर ली है भाई अपनी भाई की। हाँ यू टर्न ले लेते हैं। चलो भाई आगे से यू टर्न ले लेते हैं। वाह भाई, वैसे अपनी बाइक, पर्सनल बाइक, और जिसे आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो वो बाइक, भाई एक दिन भी अगर आंखों से दूर जाती है ना तो भाई सच में यार बड़ा अजीब लगता और बहुत ही बुरा लगता। मुझे पता है कि मैंने कैसे एक दो दिन इसे सर्विस सेंटर में अकेले छोड़ा है भाई। वाह वो मज़ा ही आ जाता है यार सही में पसंदीदा बाइक को चलाने में, क्योंकि अपन लोग कोई और नशा तो करते नहीं, हम तो बाइक का नशा करते हैं सिर्फ। और भाई एक राइडर के लिए ना उसकी बाइक और राइड यही उसके लिए नशा होता है। अरे जगजीत भैया कहाँ रह गए? रहा नहीं जा रहा, मैं सोच रहा था पता नहीं आगे निकल गए। चलो भाई है रेस फिट। अरे हमारी हरी है भैया, ये ऑरेंज है बस, मगर बत्ती हमारी हरी है। टेनार की रेस हो गई, टेनार की रेस। बस उसमें वो क्विक चिप्टर ऑटो ब्लिपर का मज़ा ले रहे हैं भाई, वो अपनी बूसा में है नहीं।
मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले जो बूसा लेंगे उसके अंदर क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लीपर दोनों होगा। और भाई किसी को अगर ऑटो ब्लीपर और क्विक शिफ्टर के बारे में नॉलेज ना हो ना, पता ना हो, तो मेरी वीडियो पुरानी देख लेना, मैं आई बटन में लगा दूंगा भाई ऑटो ब्लीपर और क्विक शिफ्टर क्या काम करता है। अब हमारी लाल है, लाल बत्ती भाई। भाई इसकी ब्रेकिंग जो है ना मेरी पुरानी वाली बूसा से बहुत अच्छी है। वाह, ये देख रहे हो जो आवाज आ रही है ना, बम बम, ये ऑटो ब्लीपर का कमाल होता है। क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लीपर, इसमें क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, गियर डालते टाइम भी और गियर उतारते टाइम भी। वाह, हमें जो है वो क्लच दबाना पड़ता है, मगर ये चीज हम रेव मैचिंग से कर सकते हैं उस बाइक के अंदर भी जिसके अंदर क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लीपर अगर नहीं है, तब भी रेव मैचिंग। और रेव मैचिंग क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। भाई ये टाइम तो सबका भाई घर जाने का है यार, क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम है और टाइम 6:30 हो रहे हैं इस टाइम। इसमें मैंने टाइम सेट किया नहीं, अभी करना पड़ेगा। 6:55 हो रहे हैं मगर 6:30 हो रहे हैं, इसलिए हर जगह जाम ही जाम है, जाम ही जाम है, जाम ही जाम है। इधर से न्यूटन लेंगे, न्यूटन। पानी भरा हुआ है, पानी अभी धुलाई हुई है। आ गए हैं वापस अपनी बाइक लेके और अब यहाँ से घर जाने का टाइम हो रहा है। जगजीत भाई लगे हुए हैं भाई साफ सफाई करने में, हमारी एकदम चमक रही है बढ़िया करके बाइक। और भाई 5-10 मिनट बाद यहाँ से निकलेंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ खा पी के निकलूँगा मैं अपने घर, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। इसका फ़ैन जब चलता है ना तो जलाता नहीं, जला ही देता है भाई, मज़ा आता है। तुमने भी चलाई थी थोड़ी देर, कैसा लगा? ऐसा लग रहा था भट्टी के ऊपर बैठे भट्टी भाई, सही बात है, क्योंकि इसमें दो फैन है ना, एक साइड से इधर से हवा आती है, एक साइड से उधर से हवा आती है गर्म। और ये खड़ी है नई वाली टैनार, बस रोटियां पकने वाली थी। हाँ, रोटियां अंदर वाली पक जाती है। ये बहुत ही ख़तरनाक बाइक है भाई, नया वाला मॉडल है ZX टैनार का। पुरानी वाली का मैंने इससे पहले डाली हुई है वीडियो। तो भाई अभी एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ घर और अगली वीडियो को आप वेट करना। अगली वीडियो इसके साथ बनाएंगे ज़रूर आवाज़ की। और इसके अंदर एक बार ये देख लो, ये देख रहे हो ना, ये टाइटेनियम का, ये रेस फिट का टाइटेनियम का एग्जॉस्ट लगा हुआ है ओरिजिनल, जो अपने उसमें लगे हुए हैं दो, लेकिन इसकी अकेले की आवाज़ ऐसी है कि उसके दोनों इतनी आवाज़ नहीं निकाल पाते भाई। पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हो रही है मेरे साथ। ये देखो, कभी कील घुस जाती है, कभी बोल्ट घुस जाता है। उस दिन कील घुस गई थी, अब बोल्ट घुस गया, दिखाना भैया। दो वाह, तो देखो सर इसमें आपके लगेंगे, देख रहे हो इतना तगड़ा बोल्ट है यार। चलो देखते हैं भाई, लगाओ तो सही भाई। इसमें दो पिंचर लगेंगे, इसमें इतना मोटा छेद हो गया। आवाज़ तो आई थी बहुत ज़ोर से, पटाक। घर ही जा रहा था जगजीत भाई के घर से यार। चलो देखते हैं इसका पिंचर लगवा के यार कितना चलता है, वरना टायर चेंज करवाना पड़ेगा। पंचर
आज फिर दोबारा पंचर हो गया था। और भाई पंचर मैंने वीडियो बनाई नहीं जानबूझ के, पंचर वाले ने क्या खेल करा पता है भाई? पंचर वाले ने क्या किया, पहले मोटा बोल्ट निकला था जो मैंने दिखाया था अभी आपको, मोटा बोल्ट निकलने के बाद भाई उसने मुझसे बोला कि दो पंचर लगेंगे। मैंने उसको बोला, मैंने चलो ठीक है भाई लगा देना, बाकी की बात अभी आगे जाके घर पे आपको जाके बताता हूँ ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आवाज़ में समझ में भी नहीं आएगा और बात भी नहीं हो पाएगी। तो पंचर वाले ने भाई क्या खेल किया आपको बता दूँ मैं। पंचर वाले ने ये खेल किया कि भाई पहले तो उसने मुझसे बोला कि भाई ये मोटी इसमें अंदर कील घुसी हुई है, इसमें दो पंचर लगेंगे। मैंने उससे बोल दिया ठीक है भाई दो पंचर लगा दे। फिर उसके बाद भाई उसने हवा भरी, हवा भरने के बाद वो कील निकाली जो मैंने आपको दिखाई थी, वो कील निकालने के बाद उसने दो पंचर लगा दी। दो पंचर लगाने के बाद मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हुआ था, साइड में जब मैं खड़ा हुआ था जैसे ही मैंने थोड़ा इधर उधर देखा तो इधर उधर देखा, जब तक उसने क्या किया मतलब एक और पंचर लेकर और जो दो पंचर पहले से लगाए थे ना उन पंचरों को हाथ से इधर उधर उसने किया खूब और पानी डाला ये दिखाने के लिए कि ये लीक कर रहा है, और उसी के साइड से तीसरा पंचर उसने उसके अंदर घुसा दिया सही करके। तो मुझे उस टाइम तक ध्यान नहीं था कि इसने तीन पंचर लगा दिए। तो भाई ये हुआ लास्ट में जब उसने बोला जी हो गया ठीक है, मैंने उसे 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो कह रहा 100 रुपये आए हैं सिर्फ। मैंने फिर कितने दो ही तो लगाए तुमने, तो कहने लगा तीन पंचर लगाए। मैंने बोला था तेरे से तीन पंचर लगाने के लिए, तो कहने लगा नहीं वो दोनों लीक कर रहे थे। मैंने अब तू उसमें उंगली करके इधर उधर करके हवा लीक कर देगा, खींच लेगा गीला पंचर, तो भाई उसके अंदर तो दो और लग जाएंगे। मैंने उसके अंदर दो पंचर मैं और लगा दूंगा ऐसे तो जैसे तूने इसके अंदर लगाए हैं। तो भाई मैंने उससे बहुत बोला, मैंने काफ़ी बोला, मगर उस टाइम मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई। मैंने बेकार में यार ही बदनाम होगा गरीब है, मगर मैंने उससे बोला मैंने भाई जायज़ कमाओ अगर तूने मुझसे बोला कि दो पंचर लगने हैं। मैंने बोल दिया ठीक है दो पंचर लगा दे कोई दिक्कत नहीं, मगर दो के बाद उसने सोचा एक और घुसा दूँ भाई 150 रुपये बन जाएंगे। तो मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, और आप लोग भी ज़रा बहुत ध्यान से रखना और ध्यान से रहना। आजकल पेट्रोल पंप पे पंचर के बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, एक तो वॉल का बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। इसके लिए मैं एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा डिटेल वीडियो की, गाड़ी के ट्यूबलेस टायर में ट्यूब कैसे डाल देते हैं वो, 2 मिनट के अंदर वो काट देते हैं नल की, और कैसे काटते हैं और बाइक के अंदर क्या करते हैं वो हवा डालते हैं और बोलते हैं वॉल जो है वो लीक कर रहा है हवा अंदर जा नहीं रही है। ये आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, और इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक दो दिन में। पंचर वालों का बहुत ही ज़्यादा स्कैम बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई रात बहुत ज़्यादा हो गई है, वीडियो ही एडिट कर रहा था मैं, तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो ठोंक देना, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।